हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, आज के आर्टिकल में कि एक ग्रेशम्स लॉ करके आर्टिकल है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ग्रेशम्स लॉ, व्हाट हैपन व्हेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स। तो क्या है डिक्टम दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। ग्रेशम्स लॉ कम्स इन टू प्ले व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू मनीज और करेंसीज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ सर्टेन रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट एक्सचेंज रेट। सच प्राइस फिक्सिंग कॉज द अंडर वैल्यूड करेंसी दैट इज द करेंसी हुज प्राइस इज फिक्स्ड एट अ लेवल बिलो द मार्केट रेट टू गो आउट ऑफ सर्कुलेशन। द ओवर वैल्यूड करेंसी ऑन द अदर हैंड रिमेन्स इन सर्कुलेशन बट इट डज नॉट फाइंड इनफ बायर्स। तो मतलब जो करेंसी ओवर वैल्यूड है उसको सर्कुलेशन में तो रहती है पर बायर नहीं मिलते, और जो अंडर वैल्यूड होती है जिसका लोअर रेट होता है वो करेंसी सर्कुलेशन से ही चली जाती है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द मार्केट एक्सचेंज रेट इज एसेंशियली एन इक्विलिब्रियम प्राइस। मार्केट एक्सचेंज रेट इज एसेंशियली एन इक्विलिब्रियम प्राइस एट विच द सप्लाई ऑफ अ करेंसी इज इक्वल टू डिमांड ऑफ अ करेंसी। ऑल्सो सप्लाई ऑफ अ करेंसी इन द मार्केट राइजेस एज द प्राइज राइजेस एंड फॉल्स एज द प्राइज फॉल्स वाइल ऑन द अदर हैंड द डिमांड ऑफ अ करेंसी फॉल्स एज द प्राइज राइजेस एंड राइजेस एज अ प्राइज फॉल्स। सो वेन द प्राइज ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ लेवल बिलो द मार्केट एक्सचेंज रेट द करेंसी सप्लाई ड्रॉप्स वाइल द डिमांड ऑफ करेंसी राइज while the demand of currency rises. Thus, a price cap can lead to currency shortage, with demand for currency outpacing supply. Origin of the term Gresham's Law, named after English financier Thomas Gresham, who advised the English monarchy on financial matters. It applies not just to paper currencies, but also to commodity currencies and other goods. In fact, whenever the price of any commodity, whether it is used as money or not, is fixed, मतलब कोई भी कमोडिटी का प्राइस अगर फिक्स कर देंगे, such that it becomes undervalued when compared to market exchange rate, this causes the commodity to disappear from the formal market. The only way to get hold of an undervalued commodity in such cases would be through the black market. Sometimes countries can even witness the outflow of certain goods through their border when they are forcibly undervalued by government. Gresham's law can be seen at play whenever the government fixes the exchange rate of a commodity money, such as gold or silver coin, far below than the market price of the commodity backing them. In such cases, people who hold the commodity money would stop offering the money as the price fixed by government. They may even melt such commodity money to derive pure gold and silver that they can sell at the market, which is higher than the rate fixed by government. मतलब गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया कम पे, तो भाई वो कम पे क्यों बेचे, वो तो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल के उसको हायर रेट पे बेचेंगे। ड्राइविंग ऑफ द डॉलर इन श्रीलंका। द लॉ केम इन टू प्ले मोस्ट रिसेंटली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका लास्ट ईयर, ड्यूरिंग विच द श्रीलंकन सेंट्रल बैंक फिक्स्ड द एक्सचेंज रेट बिटवीन श्रीलंकन रुपी एंड द यूएस डॉलर। The Central Bank of Sri Lanka at a certain point mandated that the price of US dollar in term of Sri Lankan rupee should not rise beyond 200 rupees per dollar, even though rates in the black market suggested that the US dollar should sell for far more than rupees 200. In effect, people were banned from paying more than 200 Sri Lankan rupees for a dollar, thus causing a rupee to be overvalued and the US dollar to be undervalued when compared to market exchange rate. तो मतलब देखो रियल में क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, रियल में जो आपका डॉलर है वो 200 प्लस रुपीस हो गया है, श्रीलंकन रुपीस। पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया, तो रुपी की रियल वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, पर गवर्नमेंट ने उसको अंडर वैल्यू पे फिक्स कर दिया। जैसे कि मानिए वो 250 हो गई, 250 रुपीस हो गई,
तो गवर्नमेंट ने उसको अंडर वैल्यू पे कर दिया, 200 पे फिक्स कर दिया। हमने क्या पढ़ा था ग्रेशम्स लॉ में, अंडर वैल्यू जो होगी वो डिसअपियर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या है। दिस कॉज्ड द सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट टू फॉल एंड द यूएस डॉलर टू बी ग्रेजुअली ड्रिवन आउट ऑफ द फॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देखिए डॉलर यहाँ से गायब हो गया। पीपल हु वॉन्टेड यूएस डॉलर टू परचेज फॉरन गुड देन हैव टू परचेज डॉलर फ्रॉम द ब्लैक मार्केट बाई पेइंग फार मोर देन 200 श्रीलंकन रुपीज फॉर ईच यूएस डॉलर। अब गवर्नमेंट ने ये रेट फिक्स कर दिया, पर लोग तो बेवकूफ़ नहीं है। ब्लैक मार्केट में लोगों को पता है रेट क्या है, उन्होंने सारे डॉलर निकाल लिए और ब्लैक मार्केट में अब जिसको ज़रूरत पड़ रहा है, तो जब 250 रेट था, हो सकता है ब्लैक मार्केट में वो 280 पे बेच रहे हैं, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। ग्रेशम्स लॉ हाउ एवर होल्ड्स ट्रू ओनली वेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी इज फिक्सड अंडर लॉ बाय गवर्नमेंट एंड द लॉ इज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली बाय अथॉरिटीज इन द एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट डिक्री फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज इट इज गुड मनी डेट इवेंचुअली ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ द मार्केट एंड नॉट द अदर वे राउंड। वेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज इज नॉट फिक्सड एंड पीपल हैव द चॉइस टू फ्रीली चूज बिटवीन करेंसीज पीपल ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग करेंसीज दैट दे कंसिडर टू बी पुअर क्वालिटी एंड अडॉप्ट करेंसी दैट आर फाउंड टू बी ऑफ बेटर क्वालिटी। दिस फिनोमिना वेर इन गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड इज कॉल्ड थियर्स लॉ नेम्ड आफ्टर फ्रेंच पॉलिटिशियन एडोल्फे थियर्स एंड इट इज सीन एज अ कॉम्प्लीमेंट टू ग्रेशम लॉ। द राइज ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन रिसेंट ईयर हैज बीन साइटेड बाय मेनी एनालिस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड मनी इशूड बाय प्राइवेट मनी प्रोड्यूसर ड्राइविंग आउट बैड मनी इशूड बाय गवर्नमेंट। तो इस आर्टिकल में देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रेशम लॉ, दूसरा थियर्स लॉ। अब ग्रेशम लॉ क्या है देखिए, कभी भी करेंसी रेट एक्सचेंज रेट हमने फिक्स कर दिया, जो करेंसी अंडर वैल्यू होगी। अब जैसे डॉलर हम देख रहे हैं फ्री वहाँ पे एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो रुपीज़ 82 पहुँच गया है, 82 से आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है, हमने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाया। पर मानिए कभी ऐसा हो बहुत गिरने लगा, भगवान ना करे गिरे, पर इनकेस गिरने लगा तो क्या होगा। मानिए अगर सेंट्रल बैंक ने जो हमारा RBI है फिक्स कर दिया भाई 100 रुपीज़ के नीचे हम डॉलर के रेट्स को नहीं जाने देंगे, रुपीज़ के रेट्स को, तो $1 at 100 rupees हमने फिक्स कर दिया। पर तो डॉलर यहाँ पे अंडर वैल्यू होगी क्योंकि डॉलर मानिए 110 हो गया 120 हो गया, तो लोग क्या करेंगे इसको एक्यूमुलेट करेंगे और सेल करेंगे ब्लैक मार्केट में अपने प्रॉफिट के लिए। तो अंडर वैल्यूड यहाँ पे करेंसी अपनी डॉलर है, तो डॉलर अंडर वैल्यूड होने के बाद क्या होगी ब्लैक मार्केट में एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ये चली जाएगी इकोनॉमी से, यहाँ से ड्राइव आउट हो जाएगी। तो यही आपका ग्रेशम्स लॉ है। और आपका जहाँ तक बात रहा ये थियर्स लॉ का, इसमें देखिए यही है, पीपल ग्रेजुअली स्टॉप यूजिंग करेंसीज डेट आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ पुअर क्वालिटी एंड अडॉप्ट करेंसीज डेट आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ बेटर क्वालिटी। मतलब फ्री फ्लोटिंग रेट है, तो भाई मेरा मन ना मैं डॉलर यूज़ करूँ या रुपीज यूज़ करूँ वो मेरे ऊपर है, मेरे को जो मन कर रहा है, मेरे को कूल दिखना है भाई चलो डॉलर कर लो, नहीं दिखना है मेरे को अपने रुपया से प्यार है तो रुपया कर लो, तो वो मेरे ऊपर है। तो मैं जो मानिए मेरे को इसका नोट ज़्यादा पसंद है दिखने में, गांधी जी मेरे को नहीं पसंद है, तो मैं उस हिसाब से इसको थियर्स लॉ बोलते हैं। और दोनों में कुछ नहीं है, दोनों आपके करेंसी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। तो पहला आपका हो जाता है ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ, और दूसरा हो जाता है आपका थियर्स लॉ। यहाँ पे फ्रीली फ्लोटिंग होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया रहता है, तो जो अंडर वैल्यूड करेंसी है वो चली जाती है इकोनॉमी से बाहर, कहाँ जाती है ब्लैक मार्केट में, जैसे हमने श्रीलंका के केस में यहाँ पे केस स्टडी किया, एग्जाम्पल देखा वैसे। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। ढेर सारा रुपया कमाओ, डॉलर कमाओ और उसको फिर दूसरों को दो, रॉबिनहुड बन जाओ, यही आप लोगों से आशा रहेगी। थैंक यू एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।